मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कतल तो बाद सुरक्षा व्यवस्था नु लेके सवालों च घिरी हुई पंजाब पुलिस नु फूक फूक के कदम रखती हुई नजर आ रही है। जलंधर दे विच सरकारी वॉल्वो बसां नु दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की शुरुआत करने के लिए 15 जून नु दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर सने पहुंच रहे ने। दस दईए कि बस स्टैंड च होने वाले इस समागम नु लैके उस नेड़ले इलाकों के रहने वाले कारोबारियों ते होर लोगों के लाइसेंसी हथियार पुलिस ने जमा करने शुरू कर दिए ने, तो पुलिस कित ना कि सख्त नज़र आ रही है। इस नाल पुलिस का की कहना है इस बाबत आओ तुहानू सुणाउंदे आ। सिक्योरिटी पर्सनल तो हजे अभी पूरा डिसाइड कर रहे हैं किन्ने लगने हैं, पर हाँ फुल प्रूफ अरेंजमेंट असी करने की कोशिश है कि सारा फुल प्रूफ अरेंजमेंट हो ताकि कोई अनवांटेड इंसिडेंट ना हो, इस करके सारे असी प्रयास उसी करके कर रहे हैं। गल करिए बस स्टैंड के चारों पासों जो सिक्योरिटी प्रबंध है, बस स्टैंड के अंदर पार्किंग भी है, उन्होंने पार्किंग का कई व्हीकल रख के चल जाते हैं दो दो चार चार दिन भी उन्होंने ऐसा तो नहीं है। असी सारी चेकिंग आज तो कल रात तो शुरू कर दी है, तो जुड़े भी व्हीकल इतने पार्कड हैं वो बेसिकली रिकवरी वैन्स वगैरह भी आप कोशिश कर रहे हैं कि वो हटा दें, और जितने भी ये पार्किंग है रूटीन तो चलूगी, लेकिन जितनी भी बसेस हैं कोशिश है कि प्रमाइसिस में कोई एंट्री ना हो। कितना रूट की गल करिए, रूट भी चेंज किए गए, कन्वर्ट किए गए ने, ट्रैफिक दा वो तो पार्ट ऑफ सीएम सिक्योरिटी है, वी कांट मतलब डिस्क्लोज अभी एज ऑफ नाउ। ब्रीफिंग नहीं होती, दैट लीड्स टू कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ सिक्योरिटी, इस करके कोई भी ब्रीफिंग मैं नहीं दे सकता। सर एक चीज दस दो, सर एक चीज दस दो, आज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 70% जिहड़े लोगों के लाइसेंस जमा करवाए गए हैं, जिहड़े जिन्हों के लाइसेंस ही उन्होंने हथियार जमा करवाए गए हैं, कोई थ्रेट्स नहीं लेके आए किस असी जो भी नॉर्मल रूटीन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो कर रहे हैं, जो मेरे को इस बारे अजे कोई भी कमेंट नहीं है, नॉर्मल रूटीन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है किसी किस्म का कोई इदा की गल नहीं है। अरेंजमेंट्स ठीक हो रहे हैं, अच्छी बेस्ट अरेंजमेंट्स करांगे, सारा वेल रेगुलेटेड वेल ऑर्गेनाइज होगा, लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ भी नहीं होगी और सिक्योरिटी भी किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। रश वाला एरिया है काफ़ी, क्योंकि बस स्टैंड आसे पास लोगों का भी रश होता, बसों का भी रश है, तो उन्होंने किमें असीं इहनूं इसे तरह मैनेज किया होया है कि लोगों भी मुश्किल ना हो, बस स्टैंड का भी काम चलता रहे और इतने जो सा सिक्योरिटी वाला आस्पैक्ट हैगा उस भी किसी किस्म की कोई अड़चन ना हो। ट्रैफिक रेगुलेशन वास्ते अलग तो प्रबंध किए गए, उस भी अंडरलाइंग आइडिया यही हैगा है मिनिमम इनकनवीनियंस टू पब्लिक, असी लोगों सारियां नूं उन्हां दी जिहड़ी हैगी आ जरूरत उस मुताबिक उन्हां दी मूवमेंट अलाउ करांगे। मुलाजमान की गिनती बारे मैं कुछ नहीं दस सकता, असी एडिक्वेट नंबर ऑफ परसोनल आर बीइंग डिप्लॉयड, नहीं साड़ी रोक करी है, असी आप प्रबंध कर रहे हैं। तो सर किवें दे सिक्योरिटी दे जिहड़े प्रबंध हैगे आ, क्योंकि बस स्टैंड का कुछ इलाका जिहड़ा हैगा पब्लिक लई आन जाण लई बंद कर दिता गया हैगा, ते कुछ बहुत ही माइनर, सारा बस स्टैंड नॉर्मल तरीके नाल फंक्शन करूगा, कोई किसी किस्म की पाबंदी किसी ते भी नहीं हैगी। जिक्रयोग है कि दिल्ली एयरपोर्ट लई कई सालों तो बंद पई सरकारी वॉल्वो बसां दी आवाजाई 15 जून नूं शुरू हो जाएगी। बस अड्डे तो हरी झंडी दे के इस दी शुरुआत दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वल्लों कीती जाएगी, ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दी मौजूदगी विच होण वाले सूबा पद्धरी प्रोग्राम दी कमान दिल्ली सीएम ऑफिस तो आई टीम अपने हत्थां विच लै के करेगी। उधर दूजे पासे यात्रियों नूं समारोह दौरान किसी तरह की दिक्कत ना आवे इसलिए एयरपोर्ट जाण वाली पहली वॉल्वो बस नूं बस अड्डे विच स्थित शहीद भगत सिंह दी यादगार दे सामने रवाना किया जाएगा, जबकि इस तो बाद वाली बसां अपने निर्धारित काउंटरों तो रवाना होंगी। हालांकि काफ़ी लंबे समय तो बसों की यह मांग की जा रही थी, पर सरकार की यह पहलकदमी किन्नी कु काम आती है ये तो आने वाला समय दसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब। हर खबर की ताज़ा अपडेट जानने के लिए सारे यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो और फेसबुक पेज लाइक शेयर करो।